हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या हम मोबाइल फोन से ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो गाइस, आजकल बहुत से लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेने लगे हैं और ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने लगे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का सवाल यही होता है कि क्या वो मोबाइल फोन से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या हम मोबाइल फोन से ट्रेडिंग करें, क्या मोबाइल फोन से ट्रेडिंग करना सही है या फिर आपको लैपटॉप से ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक ही मोबाइल फोन है तब आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन बहुत छोटा होता है जिससे आपको चार्ट बहुत छोटे दिखाई देंगे और चार्ट में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपको ये समझने में मुश्किल होगा कि आप ट्रेड कहाँ ले। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो आपको चार्ट को देख के एनालाइज करना होता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, आपको कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। फिर आपको एक ही स्क्रीन में उसका पीएनएल देखना होता है, उसका ऑप्शन चैन देखना होता है, तो ये सारी चीजें एक ही स्क्रीन में होना मुश्किल होता है। और अगर आपने उसमें इंडिकेटर्स लगा दिए तो स्क्रीन और भी छोटी हो जाएगी, जिससे ना तो आपको चार्ट के सिग्नल समझ आएंगे ना तो इंडिकेटर के सिग्नल समझ आएंगे। इससे आप अपनी एंट्री भी गलत ले सकते हो। ये ऑप्शन बहुत फास्ट मूव करता है तो आपको फास्ट एक्शन लेने की जरूरत होती है। जब तक आप स्क्रीन बदल कर कॉल या पुट बाय करेंगे तब तक उसकी प्राइस बदल कर कुछ और ही हो जाएगी। अगर आपके पास दो मोबाइल फोन है तो आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। एक मोबाइल से आप अपना चार्ट देखेंगे, उसका ऑप्शन चैन देखेंगे, इंडिकेटर्स लगाएंगे और दूसरे से अपनी एंट्री और एग्जिट बनाएंगे। तो अगर आपके पास एक ही मोबाइल फोन है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप शेयर मार्केट के बारे में जान सकते हैं, ट्रेडिंग के बारे में जान सकते हैं, ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। अब बात करते हैं लैपटॉप और पीसी की। अगर आपके पास एक लैपटॉप और पीसी है तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लैपटॉप का स्क्रीन बड़ा होता है जिससे आपको चार्ट बहुत अच्छे से दिखाई देगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप उसमें इंडिकेटर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता ही होगा कि मार्केट में चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक का क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप बड़ी स्क्रीन में देखेंगे तो आपको चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देंगे, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि मार्केट का मूव किस तरफ हो सकता है। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट होगा। लेकिन फिर भी आपके पास एक मोबाइल फोन का होना जरूरी है, क्योंकि लैपटॉप से आप अच्छी तरह चार्ट को देख पाएंगे लेकिन आपको एंट्री एग्जिट करने में मुश्किल होगा। तो आप लैपटॉप से चार्ट देखेंगे और मोबाइल फोन से अपनी एंट्री और एग्जिट करेंगे, इससे आपको बहुत ही आसानी होगी। तो अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास दो मोबाइल फोन का होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन है तो बहुत ही अच्छा है। मैंने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत मोबाइल फोन से ही किया था, तो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप मोबाइल से ट्रेडिंग सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।